सो फाइनली गाइज अब आ गया अपना GoPro, इसको अनबॉक्स करता हूँ, इसको करते हैं ओपन यहाँ से। सो ये चेकआउट करो, तो अभी करते हैं अपने न्यू GoPro को स्टार्ट। 1 2 3 या हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज बिमो एंड यू आर वाचिंग बिमो ब्लॉग। सो गाइस, कैसी अपनी यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज आपको मेरे चेहरे पे एक अलग सी खुशी दिख रही है। आप लोगों को बता दूं गाइस, आज का ब्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के ब्लॉग में एक स्पेशल चीज आने वाली है मेरे लिए। यार बहुत स्पेशल चीज है वो, तो अभी आप लोग मतलब गैस करो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। आप लोगों को बता दूं, मैंने अपने लिए कुछ दिनों पहले GoPro ऑर्डर कर दिया था, वो मंडी पहुंच चुका है। पिछले कल उनका मैसेज आ गया था। अभी आप लोग बने रहो ब्लॉग में, अभी यहाँ से जाना पड़ेगा मुझे मंडी से आगे नेहर चौक के आसपास है डिलीवरी का जो ऑफिस होता है, वहां पे जाएंगे और वहां से अपना कुरियर पिक करेंगे। तो फाइनली अभी मैं घर पे पहुंच चुका हूं, तो अभी करते हैं अनबॉक्स GoPro और जो भी एक्सेसरी मैंने मंगवाई है तो उसको अनबॉक्स करते हैं। ये रहा GoPro Hero 7 एंड ये रहा माइक अडेप्टर एंड ये यूलांजी केस मंगवाया मैंने और एक कार्ड मंगवाया है 64GB का। सो अभी आप लोग देख सकते हो, ये है GoPro Hero 7 ब्लैक एंड ये देखो अभी इसकी सील वगैरह कुछ नहीं फटी है, तो ये मैंने न्यू ऑर्डर किया है। तो प्राइस वगैरह बताते हैं अभी आपको, तो कुछ ये है, चारों तरफ से देख लो आप लोग। सो गाइज फाइनली अभी यार अपने सामने है अपना नया GoPro, तो अभी मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ इनकी। तो पहले तो कैमरा को साइड रखते हैं, सबसे पहले छोटी चीज़ से शुरू करते हैं। तो ये रहा अपना मेमोरी कार्ड, ये सैंडिस्क का है, सो इसको रखते हैं साइड एंड अब यूलांजी केस को देखते हैं। गाइज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, सो कुछ ये आता है बॉक्स में और ये इसका कवर है, इसको साइड रखते हैं। तो ये रहा अपना न्यू यूलांजी केस, इसको भी रखते हैं साइड में। सो कुछ ऐसे करके स्लाइड करके बाहर आता है, तो यहाँ पे अपना GoPro फिट होगा और नीचे माइक अडेप्टर। एंड ये गाइज ये देखो भाई, इतनी सी चीज़ इतनी महंगी है, यहाँ पे इसका MRP लिखा है, बट ये मेरे को इस प्राइस पे नहीं पड़ा है, ये इससे सस्ता ही पड़ा है। मैं बता दूंगा आपको कहाँ से लिया मैंने। प्रो 3.5mm माइक अडेप्टर फॉर हीरो 8 ब्लैक एंड 7 ब्लैक, हीरो 6 ब्लैक एंड हीरो 5 ब्लैक, तो इनमें लग जाता है ये। सो करते हैं इसको ओपन, तो ये इसके साथ आया है लाइफ टाइम वारंटी कुछ ये पेपर। एंड ये रहा हमारा मेन माइक का अडेप्टर, तो ये देख सकते हो आप, इस पर GoPro की ब्रांडिंग हुई है यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी, ये टाइप सी है एंड कुछ ऐसे करके है माइक अडेप्टर अपना। सो अभी और तो कुछ है नहीं इसमें, तो अभी इनको रखते हैं साइड। सो फाइनली गाइज अब आ गया अपना GoPro, तो अभी जो है इसको अनबॉक्स करता हूँ। तो ये रही देखो इसकी सील, इसको करते हैं ओपन यहाँ से। तो भाई साहब गाइज मतलब भाई मेरे दिल की धड़कने पता नहीं क्यों बढ़ गई है। तो निकालते हैं अपने GoPro या सो या गाइज फाइनली ये रहा अपना GoPro। तो अभी ये खाली है, इसमें और कुछ नहीं है, इस पे इसके फीचर्स वगैरह लिखे हैं। तो यहाँ पे देखो 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, 4K 60fps एंड 1080p 240fps तक शूट कर सकता है ये। और ये है 33 feet 10 मीटर्स तक पानी में जा सकता है, मतलब पानी का कोई असर नहीं होगा इस पर। और ये आई थिंक ये इंटरनल माइक के लिए है और टच वगैरह के लिए। 8x स्लोमो की वीडियोस बन सकती है इस पर और GPS भी है और HDR में शूट कर सकता है शायद एंड हाइपर स्मूथ। मेरे लिए ये चीज़ आएगा ज़रूरी, हाइपर स्मूथ एंड लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं इससे। तो यहाँ पे आगे कुछ ब्रांडिंग है इसकी, यहाँ पे लिखा है हाइपर स्मूथ गिम्बल लाइक स्टेबलाइजेशन। तो यहाँ पे भी कुछ ब्रांडिंग वगैरह है।
तो ये इसके साथ है कि इसके साथ साथ क्या मिला है, तो इस पे तो लिखा है गोप्रो, इसका केस एंड बैटरी, ये स्क्रू एंड जैक वगैरह है कुछ, और टाइप सी केबल, एंड बैक साइड भी कुछ ऐसा है। तो अभी इसको रखते हैं साइड पे। तो अभी अपने गोप्रो को निकालते हैं साइड। तो डोंट नो कैसे खुलता ही है यार। तो मेन प्रोडक्ट ये है गाइज। तो अभी इसको रखते हैं साइड पे। अब इसमें देखते हैं एक्सेसरी क्या क्या मिली हमें। तो सबसे पहले मिलता है गोप्रो की तरफ से ये कार्ड, एंड इस पर कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह है कि गोप्रो को कैसे यूज़ कर सकते हैं और माउंट कैसे कर सकते हैं। तो इसको भी रखते हैं साइड। और ये रहे गोप्रो के स्टिकर्स, दो स्टिकर मिले हैं, इसको लगाएंगे हेलमेट और बाइक पे। और ये कुछ बुक मिलती है, यूज़र मैनुअल, एंड अब देखते हैं इसमें क्या रहता है। तो इसमें मिलती है गाइज एक बैटरी जो कि गोप्रो की तरफ से है। ये एक माउंट मिला है जो कि हेलमेट पे लगा सकते हैं हम। और ये टाइप सी की डाटा केबल, बाकी अडेप्टर तो मुझे फ़ोन का ही लगाना पड़ेगा। और एक और माउंट है, ये थोड़ा कर्व है एंड ये वाला थोड़ा फ्लैट है, तो आप लोग देख सकते हो। ये चीज़ें मिली है एंड बस ये है गाइज, बाकी और डब्बा खाली है। देखो इनको रखते हैं साइड में। सो अब बारी आती है अपने प्रोडक्ट की यार गाइस, क्या बोलूँ, मतलब कुछ एक्सप्रेस नहीं हो रहा है वर्ड से कि कितनी खुशी हो रही है। तो अभी इसको निकालते हैं, जो मेन गोप्रो है अपना। सो गाइस कुछ ये रहा इसका केस, एंड केस को रखते हैं अभी साइड में। सो यार फाइनली ये रहा गाइज अपना गोप्रो। सो ये चेकआउट करो, तो कुछ ऐसा है। देखो ये इसकी स्क्रीन है एंड यहाँ पे मेन लेंस, और आगे की तरफ भी एक स्क्रीन है, ये नोटिफिकेशन वगैरह के लिए है। तो अभी इसमें बैटरी डाल लेते हैं यार, और फिर बैटरी कंपार्टमेंट आई थिंक नीचे है, तो यहाँ पे लगेगी बैटरी एंड माइक्रो एसडी कार्ड। तो कार्ड भी मैं लगा लेता हूँ इसमें। तो ये रहा अपना नया कार्ड, देखो सैंडिस्क का है, 64 GB का। ये मैंने डीलर से ही पूछ के लिया था कि इसमें जो सही रहता है वही दे दो मुझे, तो ये उन्होंने भेजा है। तो अभी कार्ड तो लग गया है, अब बैटरी को निकालते हैं इसके रैपर से बाहर। सो ये कुछ ऐसे लगने वाली है, इसमें बस इनके स्लॉट्स को देखना है। एंड अभी अपने गोप्रो की बैटरी और कार्ड लग गया है। तो गाइस निकालते हैं इसकी पन्नी को, तो कुछ ये रही। तो अभी करते हैं अपने न्यू गोप्रो को स्टार्ट। तो 1 2 3 या यार गाइस अल्टीमेट भाई, ये जो साउंड दिया ना इसने, दिल खुश हो गया। तो अभी ये स्टार्टअप मांग रहा है, तो अभी स्टार्ट कर लेते हैं। तो अभी आप लोग चेक करो। सो अभी इसमें बैटरी बता रहा है 5%। सो अभी यार मुझे ज़्यादा यूज़ करना भी नहीं आता, अभी सीखना पड़ेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि ये जो है मेरा गोप्रो के साथ फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। ये सेटिंग इस पे मैंने शूट करना है, एंड इस पे सुपर व्यू करके। यस गाइस, तो अभी आप लोग देख सकते हो काफ़ी वाइड आ रहा है। तो कुछ ये इंटरफेस है गोप्रो का, तो इसमें बहुत से मोड है। बाकी इसमें अभी बैटरी बची है 1%। तो आगे इस पे ये है, देखो इसकी सेटिंग्स वगैरह बता रहा है। ये इसका लेंस है, एंड यहाँ से ये चार्ज होता है, यहाँ पे HDMI पोर्ट है। तो अब मैं इसको डालता हूँ यूलानजी केस में। तो इसको थोड़ी ज़ोर से हमने पुल अप करना है एंड ये बाहर आ जाएगा, क्योंकि इसको रिमूव करना ज़रूरी है, तभी जो है ये माइक अडेप्टर की केबल यहाँ पे फंस पाएगी। तो ये कुछ ऐसे फिट होता है इसमें। तो अभी अपना गोप्रो हो गया यूलानजी केस में फिट, एंड इसको हम टर्न करेंगे, तो ये लग गया गाइस अपना। तो अभी अपना माइक अडेप्टर गोप्रो के साथ कनेक्ट हो गया है। सो गाइस इसके लिए मैंने ये 3.5 mm का कन्वर्टर मंगवाया है। ये कन्वर्टर लगेगा साथ में, इसमें आप लोग देख सकते हो इस कन्वर्टर में ओनली दो लाइनें हैं, ये ब्लैक ब्लैक और इसमें तीन तीन। तो अब देखते हैं ये माइक सेटअप होता है इस पर या नहीं।
हेलो 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 माइक चेक माइक चेक हेलो 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 तो आप लोग देख सकते हो अभी रिकॉर्डिंग ऑन है। हेलो हेलो हेलो। सो गाइस आई होप आप लोगों को भी आवाज़ सुनाई दी होगी। तो गाइस फाइनली अपना नया सेटअप ये रहा। तो अब मैं प्राइस बता देता हूँ आपको कि मेरे को सारा सेटअप कितने का पड़ा है। तो गाइस इस सारे सेटअप का प्राइस ये रहा, यहाँ पे देखो आप लोग देख सकते हो COD अमाउंट, तो इतना पड़ा है मुझे ये सारा सेटअप। और हाँ गाइस इसमें जो डिलीवरी चार्जेस है वो अलग से है। ये मंगवाया मैंने, ये देखो इंस्टाग्राम पे एक पेज है गैजेट वर्ल्ड 08 करके, ये यहाँ पे इनका इंस्टाग्राम है एंड ये इनका नंबर है। तो आप लोगों को बता दूँ ये जो अकाउंट है ये एकदम रियल और जेन्युइन है और भाई ने मेरी बहुत हेल्प की, थैंक यू सो मच भाई मेरे को अच्छे प्राइस में GoPro और पूरा सेटअप दिलाने के लिए। तो अगर आप लोगों ने लेना है तो आप लोग ले सकते हो। अगर आप ये बोलोगे कि आप मेरी वीडियो देख के ले रहे हो तो आई थिंक आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो गाइज मैं इनके इंस्टा अकाउंट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा। गाइज फाइनली अपना नया सेटअप आ गया है। तो यार भाई अब चीज़ें आती है, चीज़ों के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। तो अब भाई मतलब सीरियस तो मैं वैसे भी हूँ, तो अब और ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। और खुशी की बात ये है कि अपना जो मेरा ये फ़ोन है इसको थोड़ा रेस्ट मिल गया है। तो थोड़ा क्या यार, अब इसको बहुत ज़्यादा रेस्ट मिल गया है, क्योंकि अगर मैं कहीं राइड पर निकलता था तो फ़ोन से शूट करना, एडिट करना, सब कुछ स्टोरीज वगैरह इंस्टा यूट्यूब फेसबुक सब कुछ ये ही हैंडल करता था। अब ऐसा है कि मतलब इससे शूट भी हो जाएगा और जो भी डेटा होगा वो इसी के पास होगा, मतलब GoPro में ही होगा। अब यार फ़ोन का काम थोड़ा बंट गया है। तो अब मिलते हैं नए सेटअप के साथ, इसकी वीडियोस वगैरह नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तो आप लोग बताना आपको मेरा नया सेटअप कैसा लगा। और हाँ गाइस अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ब्लॉग को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। अब तो यार नया सेटअप आ गया, तो यार गाइस कुछ सपोर्ट दिखाओ और वीडियो को शेयर करो। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइज़।